जय भोले की हर हर महादेव। आज मैं आपको शिव की कृपा से पितृपक्ष की एक कथा और सुनाने जा रही हूँ। सुनिए, इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुँची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने परोसे गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया कि उन्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात क्यों परोसे जा रहे हैं। उन्होंने इंद्र देवता से पूछा कि मुझे भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब इंद्र देवता ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उनके पूर्वज कौन है उन्हें पता नहीं था, और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इन सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया और तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। इस कथा को पढ़ना और सुनने का बड़ा महत्व है। जो भी अपने पितृ देवता का मान सम्मान करता है, उसके पितृ धरती लोक से खुश होकर विदा होते हैं तो उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।